भोपाल और इंदौर समेत 41 जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीएफ चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन नेताओं ने वायरल एक पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया है। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के अज्ञात शख्स पर भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल जो लेटर सोशल मीडिया में चल रहा है वह लघु एवं मध्यम क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की कथित संस्था के लेटर हेड पर है। उसमें नीचे की ओर ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम लिखा है। ये लेटर हाईकोर्ट को ग्वालियर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर लिखा गया है। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर भोपाल की क्राइम ब्रांच और इंदौर के संयोगितागंज थाने में केस दर्ज किया गया। इंदौर में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के नेता निमेश पाठक ने शिकायत की थी। इसमें प्रियंका पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पत्र के जरिए भ्रामक ट्वीट करने का आरोप लगाया गया है। ये कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की छवि धूमिल करने का काम किया है, जिसके बाद रात 9:30 बजे संयोगितागंज थाने में धारा 420 और धारा 496 एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।